नमस्कार, डॉक्टर गर्जेज आयुर्वेदा क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपके साथ अस्थमा और कोरोना के बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले भी हमने आपके साथ कई सारे कोरोना के विषय में वीडियोस शेयर किए हैं, जैसे एग्जैक्टली कोरोना है क्या, उसके लक्षण, रिस्क फैक्टर्स, उसके डायग्नोसिस, आयुष की गाइडलाइन, डायबिटीज़ एंड कोरोना। तो ये वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अस्थमा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में अस्थमा और कोरोना से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल होंगे और आयुर्वेद में इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, ट्रीटमेंट्स है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके मन में सवाल आया होगा कि अस्थमा जब हम सुनते हैं तो जो भी पेशेंट्स अस्थमा पेशेंट होंगे, ये सच में एक रिस्क फैक्टर है क्या कोरोना इन्फेक्शन के लिए? मतलब अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसे कोरोना इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा क्या अदर पर्सन से? तो वैसे नहीं है। जैसे नॉर्मल अदर पर्सन्स होते हैं उनमें जितना रिस्क फैक्टर है कोरोना इन्फेक्शन होने का, उतना ही चांस है अस्थमा पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने का। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं होगा तो अगर उसमें पेशेंट को COVID-19 जो इन्फेक्शन बोलते हैं हम, कोरोना इन्फेक्शन, वो हो जाता है तो अस्थमा ज़्यादा फ्लेयर अप होने के चांसेस है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि COVID-19 जो इन्फेक्शन है वो एक रेस्पिरेटरी लंग का इन्फेक्शन है, और अस्थमा भी जो है, जो सांस की बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ़ होना, टाइटनेस इन द चेस्ट, खांसी आना, ये सारे लक्षण होते हैं, ये भी एक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज़ है। तो दोनों भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होने के कारण अस्थमा के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम अस्थमा कंट्रोल में रखते हैं कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो इसीलिए जो भी आपके मेडिकेशन होंगे, कि सेकंड आपके मन में सवाल है कि ये कोरोना पैंडेमिक में जो अस्थमा पेशेंट के मेडिकेशन से उसे चेंज करना है क्या, जो आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हो, इन्हेलेशन लेते हो, तो वो स्टॉप करने की ज़रूरत है क्या, उसे चेंज करने की ज़रूरत है क्या? तो वैसे नहीं है। जो आपके रेगुलर मेडिकेशन होंगे आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे ही कंटिन्यू करना है। आप ये सारे मेडिकेशंस जो इनहेलर्स है या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये ले सकते हैं। सिर्फ आपको ये मेडिकेशंस रेगुलरली और टाइम पे लेना है, तो जिससे अस्थमा जो है अटैक्स ना आए, वो कंट्रोल में रहे। आयुर्वेद में जो अभी आने वाला जो ऋतु है, जो वर्षा ऋतु या रेनी सीजन बोलते हैं हम, तो वैसे ही नॉर्मली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, सांस श्वास के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये ऋतु में अस्थमा ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है, उसे अटैक्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये ऋतु में जो वात जो दोष होता है उसका बढ़ना, यानी प्रकोप होना, वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये अटैक्स जल्दी जल्दी आते हैं। तो इसीलिए जो भी आयुर्वेद में कुछ उपचार उसके लिए बोले हैं, बहुत सारे उपचार हैं, तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे कि जो अस्थमा के कई सारे रीजंस है, हेरिडिटरी से लेके एलर्जी बहुत सारी होती है, जैसे किसी को धूल मिट्टी की एलर्जी है, फूड पार्टिकल्स की एलर्जी है, तो ये जो आपके एलर्जिक फैक्टर्स होंगे उससे आपको बचना है, धूल मिट्टी से बचना है, एलर्जिक पार्टिकल्स से आप एक्सपोज ना हो। दूसरी बात है कि जो डाइट लेते हैं, जो आहार होता है वो ऐसा होना चाहिए कि पचने में हल्का हो, कॉन्स्टिपेशन ना करने वाला, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहे, उनमें अस्थमा के अटैक्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो तले हुए पदार्थ खाने में, जो डाइजेस्ट होने में बहुत हैवी वाले पदार्थ, ये सारे पदार्थ को अवॉइड करना है। वैसे ही दही जो कफ को बढ़ाते हैं, बहुत सारी एकदम बहुत ठंडी चीज़ें अवॉइड करो, तो जिससे अटैक्स नहीं आएंगे। उसी तरह से रेस्पिरेटरी की सिस्टम जो है हमारी, तो उसका बल बढ़ाने के लिए, हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ प्राणायाम भी बोले हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है,
कपालभाति है, भस्त्रिका, अग्निसार क्रिया, ये सारे करने से हमारे जो रेस्पिरेटरी के कैपेसिटी है वो बढ़ती है। उसी के साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर दिन में सोने की आदत हो तो अवॉइड करिए, दिन में सोना नहीं है, रात में ज़्यादा देर तक भी जगना नहीं है। जो एलर्जीज़ होती है बहुत सारे लोगों को, तो वो एलर्जीज़ अवॉइड करने के लिए नाक में कम से कम दो दो बूंद, जो हम प्रतिमर्श नस से जो बोलते हैं, तो जो भी ऑयल घर में होगा, जैसे कि नारियल का तेल है या फिर घी है सिंपल, तो उसे गुनगुना करके दो दो बूंद सुबह शाम नाक में डालने हैं, तो जिससे जो एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे वो कैच होके ज़्यादा स्टिमुलाई नहीं देंगे और अस्थमा के अटैक जो कम होने में उसकी मदद होगी। उसी तरह से आयुर्वेद में सिर्फ शरीर को नहीं तो मन को भी जो महत्व दिया है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर जो बोलते हैं हम, या फिर एक्सट्रीम इमोशंस जो है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है अस्थमा के अटैक्स बढ़ने के लिए। तो ये कोरोना पैंडेमिक में ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सिर्फ ज़्यादा अलर्ट रहना है। तो डरे नहीं, अलर्ट रहे, जिससे आपके अस्थमा के अटैक्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। तो इसी तरह से ये सारी अगर आप बातें फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप नॉर्मल जैसे अदर पर्सन अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो डरे नहीं, सिर्फ अलर्ट रहे। इसी के जैसे हम कई सारे वीडियोस भी आपके साथ और शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।